हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ डेल का एक माउस जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस माउस को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। पहले आपको इसको प्राइस बता देता हूँ। इसका प्राइस है, आपको प्राइस मिल जाएगा इसका, सॉरी एक सेकेंड, ये इधर आपका इसका प्राइस है जो 1561 रुपये का है। ठीक है, ये मेरा नाम है और मेरा ये एड्रेस है और बाकी सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा मैंने कुछ एडिट नहीं किया, वीडियो को नहीं करूँगा, सीधा सीधा आपको दिखा दूँगा जो आपका ज़रूरत है और जो मैंने अपने यूज़ के लिए ऑर्डर किया है। ये देख सकते हैं आप, इसका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया इसको। और ये रहा, ये जो मेरे पास स्टैंड नहीं है इसलिए मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से आपको प्रोडक्ट को दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये डेल का, ये 36 मंथ का वारंटी है इसका, 36 मंथ का वारंटी है जो मैं इस प्रोडक्ट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये इसका कुछ मैनुअल पेपर रहा है, ये कैसे आपको खोलना है, क्या करना है, ये सब इधर है, इसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये आपका रहा माउस, ये माउस रहा। आप इसका ये साइड खोलोगे, सॉरी इस साइड से आप खींचोगे तो ये उड़ जाएगा और इधर इस साइड में एक बैटरी रहता है, जो पेंसिल बैटरी रहता है, आपको ये बैटरी रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको ये बैटरी लगाने के बाद फिर ये एक सेकेंड, फिर ये आपको ये जो बॉटम है आपको कीपैड मिलेगा। अब ये करोगे, अभी ये ऑन है, मैंने ऑन किया था, टेस्टिंग किया था, अभी ये ऑफ है। अभी इधर खींचोगे तो ये ना ऑन हो जाएगा, अब देख सकते हैं लाइट जल गया। और फिर आपको ऐसा दबा के रखना है, दबा के रखना है, ये नहीं हुआ, फिर दबाता हूँ इसका पूरी। ये मुझे अच्छे से नहीं पता चल रहा, ये 1 या 2, तो डबल ब्लूटूथ होता है इसमें। आप ऐसा फिर दबाओगे, जब ये लाइट ऑटोमेटिक ब्लिंक करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसका ब्लूटूथ ऑन हो गया है। मैं इसको ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसको इस माउस को ऑन करने का, मतलब आपके मोबाइल से कनेक्ट कैसे करते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। फिर आपको दिखा दूंगा कि मोबाइल में कैसे काम करता है, प्रॉपर तरीक़े से करता है या नहीं। फिर चलिए, फिर पहले हम इस बटन को इस तरफ खींचते हैं। हमने खींच दिया तो देखिए इधर लाइट ऑन गया। अब मतलब ये ड्यूल कनेक्टेड है, 1 और 2। पहले आपको ये देखिए, 2 में अगर कनेक्ट करना है तो फिर 2 में दिखेगा, अगर 1 में कनेक्ट करना है फिर आपको लगे ऐसा है दबा देना है, फिर 1 में चला जाएगा। अब क्या करना है, आपको इस बटन को लगभग 3 सेकंड दबा के रखना है, इतना जोर से नहीं, धीरे से हमने दबा दिया है तो नहीं हुआ, फिर दबाते हैं, एक सेकेंड यार, मैं भी फास्ट फास्ट हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो गया, तो मुझे भी पहला पहला फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं प्रॉपर से मैं फटाफट कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो अच्छा कनेक्ट हुआ। तो आपको दिखाता हूँ ये मोबाइल में कैसे काम करता है। चलिए फिर एक बार कनेक्ट करते हैं। इसको मैंने ऑफ कर दिया, अब फिर मैं इसको ऑन कर दिया, इसकी लाइट चालू हो गया। अब मैं इसको दबाता हूँ, 1 में देना है, 1 में है, अब इसको दबाता हूँ,
ये देखिए, मतलब इस तरह से ये कनेक्ट होता है, दबा के रखना पड़ता है। तो फिर आपको जब दिखेगा कि लाइट जल गया, फिर आपको छोड़ देना है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मोबाइल के साथ कैसे काम करता है।